हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल का बयान सामने आया है। सूरजपाल ने कहा है कि वो इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी है। लोगों को प्रशासन पर विश्वास रखने की सलाह भी उसने दी, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा ये भी कहा उसने, और ये भी कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रभु लोगों को इससे उबरने की शक्ति दे। पूरा बयान एक बार आप सुन लीजिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयजयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। चलिए आपको बताते हैं मामले में अपडेट क्या है। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया है। पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया। मधुकर के ऊपर FIR दर्ज की गई थी। हादसे के बाद यूपी पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी के लिए मदद करने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया था, और इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।